हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज की वीडियो में हम लोग लिमिट्स के ऊपर शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे। बहुत ही जबरदस्त होने वाला है वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग लिमिट्स की कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स देखेंगे जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लाइक जेईई, बीटेक, एनडीए, एयरफोर्स, किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो वहां पे आने के चांसेस होते हैं। तो देख सकते हो, पहले मैं आपको क्वेश्चन की ओवरव्यू करा देता हूँ कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। तो लिमिट्स के यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है, देखो। तो ये जो ट्रिक होगा किस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल होगा, जब हमारा लिमिट्स किस फॉर्म में रहेगा, तो ये फॉर्म पहले बता दूं। देखो, अगर आपके पास लिमिट का क्वेश्चन कभी भी दिखे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये जनरल फॉर्म बता रहा हूं आपको, जनरलाइज जो फॉर्म है जिसके लिए हम लोग ये ट्रिक अप्लाई करने वाले हैं, कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एम ए प्लस एक्स टू द पावर एन माइनस एम ए माइनस एक्स टू द पावर एन अपॉन एक्स टू दी पावर एन। अगर हमारे पास कोई लिमिट का क्वेश्चन इस फॉर्म में रहता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो अंडर रूट ए प्लस एक्स की पावर एन, और यहाँ पे जो एम है ये क्या डिनोट कर रहा है कि ये क्यूब रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा, या पावर वन बाई फोर होगा, वन बाई फाइव होगा, ये यहाँ पे एम डिनोट कर रहा है। ओके, तो एम अंडर रूट ए प्लस एक्स की पावर एम एन माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स की पावर एन, और यहाँ पे भी एम क्या है वही डिनोट कर रहा है, क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, या फिर जो भी पावर है वो डिनोट कर रहा है। ओके, और यहाँ पे x की पावर n नीचे में रहेगा। तो इसका जो सिंपल सा ट्रिक से हम लोग लिमिट फाइंड आउट करेंगे, एक बहुत ही आसान से आंसर आपको देना है कि इस फॉर्म में आपको लिमिट कभी भी दिखे तो इसका सिंपल सा आंसर जो हो जाएगा इस ट्रिक से वो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन m a की पावर 1 माइनस 1 अपॉन m। क्या आंसर हमारा, 2 अपॉन m a की पावर 1 माइनस 1 बाय m। कितना सिंपल है आंसर, देखो इसको अगर आप लोग फॉर्मूला से सॉल्व करते हो उस टाइप के क्वेश्चंस को, तो आपको मिनिमम एक से दो मिनट तो लगेगा, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टाइम को सेव करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम्स में हो और वहां पे भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं या फिर फाइनल आंसर भी चेक करना आपको, तो ट्रिक्स का आना बहुत ज्यादा हेल्प होता है वहां। ओके, तो चलिए, ये हमारा जनरलाइज्ड फॉर्म है और इसका आंसर आपको सिंपली ये होता है। तो चलो यहाँ पे हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ट्रिक से। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, अंडर रूट ए प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट मतलब क्या, एम का जगह पे क्या होगा, टू होगा, टू ही होगा ना, स्क्वायर रूट है तो ये हमारा टू होगा। ओके, तो ये हमारा टू है, अभी यहाँ पे लिखा नहीं था। हम लोग कैसे फाइंड आउट किए कि यहाँ पे जो है ये हमारा स्क्वायर रूट है, यानी कि ए माइनस ए प्लस एक्स जो है इसकी पावर क्या है, वन बाई टू है ना, रूट है, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे टू लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्म है, तो एम यहाँ से हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, एम हमारा क्या है, टू है। और यहाँ पे a प्लस एक्स की पावर n का फॉर्म है, a प्लस एक्स की जगह पे यहाँ पे a की जगह पे a ही दे रखा है क्वेश्चन में, a हमारा a ही है। अब देखो ये जो फाइनल आंसर आ रहा है इसमें हमें कुछ और तो चाहिए नहीं, m की यूज होने वाली है और a की यूज होने वाली है, n हमें चाहिए नहीं, यहाँ पे n हमें नहीं चाहिए, तो n हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां से फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इस प्रॉब्लम का, बताओ जल्दी से, टू अपॉन m, m हमारा क्या है, टू है, तो टू इंटू a पावर वन माइनस वन अपॉन एम के जगह पे टू है तो टू। ओके, क्या हो जाएगा ये हमारा, टू अपॉन टू इंटू ए की पावर टू वन माइनस वन बाई टू, क्या हो जाएगा, टू टू माइनस वन यानी कि ए की पावर वन बाई टू, तो ए की पावर वन बाई टू, यहां से टू टू जब कैंसिल, क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए की पावर वन बाई टू, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए। ओके, फाइनल आंसर। तो ये देखो सिंप्लीफाई किया हूं इसलिए आपको ज्यादा टाइम दिख रहा होगा, बट इसका जो जनरल आंसर आता है आपको स्ट्रिक्ट से 5-10 सेकंड का काम है, इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि आपका जनरल फॉर्म आपको पता है कि इसका फाइनल आंसर क्या होने वाला है। ओके, नाउ दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं एम हमारा क्या है, यहाँ पे देखो अंडर रूट एम, एम क्या है, यहाँ पे क्यूब रूट है, यानी कि एम हमारा क्या है, थ्री है। ए हमारा क्या है, यहाँ पे ए प्लस एक्स की पावर एन, ये हमारा थ्री है। दोनों चीज फाइंड आउट करिए, सिंपल सा आंसर हमें इस फॉर्म में दे रखा है क्वेश्चन, यही फॉर्म है ना, फॉर्म यही है, ए प्लस एक्स की पावर एन माइनस ए माइनस एक्स की पावर एन, यही फॉर्म है। यहाँ पे एक्स की पावर एन के जगह पे क्या फोर है, और नीचे भी देखो एक्स की पावर एन ही होना चाहिए, तो यहाँ पे भी एक्स की पावर फोर ही है। तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, टू अपॉन एम, एम हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पे एम हमारा थ्री है, तो थ्री इंटू ए, ए हमारा थ्री है, तो थ्री की पावर वन माइनस वन अपॉन थ्री, क्योंकि एम हमारा वन बाय एम यानी कि वन बाय थ्री। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू बाय थ्री इंटू वन अपॉन थ्री की पावर वन माइनस वन बाय थ्री, क्या हो जाएगा, टू बाय थ्री, तो थ्री की पावर टू बाय थ्री। अब यहां से देखो इसे, तो एक चीज कर सकते हो कि टू अपॉन यहां पर थ्री इंटू थ्री की पावर टू बाई थ्री है, तो यहां पे मल्टीप्लाई में दोनों, तो पावर ऐड कर सकते हो। ओके,
पावर ऐड करते क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 आई थिंक दोनों को ऐड कर दो और सिंप्लीफाई आप इसे कर लोगे तो यही आपको ऑप्शन में दिखेगा आंसर एमसीक्यू क्वेश्चन में। सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो ना। ओके बस ट्रिक को समझो। ओके देखो तीसरा जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा मैं अलग तरीके से लेने की कोशिश किया हूं कि रूट में लेके ना करके मैं यहाँ पे क्या किया हूं कि 1/2 कर दो, यानी कि यहाँ पे भी क्या मतलब है कि यहाँ पे जो है ये हमारा 1/2 है, ये 1/2 है, यहाँ पे क्या फॉर्म है a प्लस एक्स की पावर n माइनस a माइनस एक्स की पावर n अपॉन एक्स की पावर n, और यहाँ पे अंडर रूट m जो है ये यहाँ पे नहीं है तो क्या कर सकते हैं इसे 5 प्लस एक्स की पावर 3 की पावर 1/2, क्या मतलब हुआ कि हमारा स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दिया, यहाँ पे क्या स्क्वायर रूट है तो यहाँ पीछे क्या हुआ 2 होगा m के जगह पे, यहाँ पे भी क्या होगा पीछे हमारा 2 होगा। तो सिंपल आंसर इसका बताओ क्या हो जाएगा, हमारा m हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 आ गया ना, m हमारा 2 आया जो हम लोग ने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, और हमारा जो a है a हमारा 5 है, तो सिंप्लीफाई किए करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बता दो जल्दी से, 2 अपॉन क्या हो जाएगा m, m हमारा क्या है 2 इंटू a, a हमारा 5 है तो 5 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन m, m हमारा क्या है 2 है तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2 तो कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन 5 की पावर 1 माइनस 1 बाई 2 यानी कि 1/2, तो 1/2 आप लिख सकते हो 1 अपॉन अंडर रूट 5। तो देख सकते हो इस फॉर्म में भी दे सकता है कि आपको रूट में ना देके थोड़ा सा अलग करके दे रखा हो तो आप लोग इसे आसानी से कर सकते हो। ओके तो एक चौथा क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी इसी फॉर्म में देख सकते हो और इसी फॉर्म से आपको इसी ट्रिक के हेल्प से आपको आंसर करना है इसका। आई होप आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है, आप लोग इसी कमेंट में बताना कि कितना आसानी से आप लोगों ने कर लिया, मुश्किल से आपको 5 से 10 सेकंड का काम है, उससे ज्यादा नहीं है। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो अच्छा सा एक, और साथ ही साथ यहाँ पे फैमिली के साथ जुड़ो यार क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाना और भी ट्रिक्स मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके जो भी डाउट्स क्वेरीज या पर्सनली मुझसे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम का आईडी मैं आपको दे दूंगा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।